राजन, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे के मैप के लिए, जिससे के मैप के बारे में मैक्सिमम आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले दो वीडियोस में हमने के मैप का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अगर वो वीडियोस आपने देखी नहीं है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, जिसके वजह से ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल हमें दिया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप। पहला फंक्शन जो हमें दिया है, एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा एम, दिस इज सिग्मा एम, 0, 2, 4, 5, 8, 10, 12 एंड 13, ठीक है ना। अभी फंक्शन देखिए हमें क्या दिया है, सिग्मा एम। सिग्मा एम मतलब हमें जो भी फंक्शन दिया है वो एसओपी फॉर्मेट में दिया है, ठीक है ना। जो भी फंक्शन दिया है वो एसओपी फॉर्मेट में दिया है, मतलब ये जो इनपुट वैल्यूज है इनके लिए आपका आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है ना। ये जो इनपुट वैल्यूज है 0, 2, 4, 5, 8, 10, 12 और 13, ठीक है ना, ये इनपुट वैल्यूज के लिए आपका जो आउटपुट रहेगा डिवाइस का वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। एसओपी में हम क्या, एसओपी में हम मिन टर्म्स यूज करते हैं, बराबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ठीक है ना। इसका मतलब हमें के मैप में वन का यूज करना है, मतलब जो के मैप हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारा एलिमेंट क्या रहेगा, 1, ठीक है। तो देखिए, ये जो भी वैल्यूज है इसके जगह पे हम वन पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पहली वैल्यू है 0, तो देखिए यहाँ पे के मैप मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, फोर वेरिएबल के मैप है, क्योंकि हमारे फोर वेरिएबल से यहाँ पे गिवन है। टोटल 16 ब्लॉक विल बी देयर 0 से लेके 15 तक। ये के मैप किस तरह से ड्रॉ करना है मैंने पहले दो वीडियोज में बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए, पहला फंक्शन है हमारा 0 के लिए, मतलब 0 जहाँ पे है इस लोकेशन पे हमने मिन टर्म मतलब 1 से रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे 1 लिख दिया, ओके, बाद में है 2, यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद में है 4, वहाँ पे भी 1 लिख दिया, ओके, बाद में है 5, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8, दिस इज 8, यहाँ पे 8 लिख दिए, सॉरी 1 लिख दिया, अभी 10, 10th ब्लॉक में हम 1 लिखेंगे, 12, 12th ब्लॉक में हम 1 लिखेंगे, उसके बाद में है 13, मतलब यहाँ पे तो 13 नंबर के ब्लॉक में हम 1 लिख देंगे, ओके। अभी हमने मीन टर्म तो हमारी रिप्रेजेंट कर दी, इसके बाद में क्या है कि हमने इनका ग्रुप करना है। इसके बाद में हमने क्या करना है, इनका ग्रुप करना है। तो देखिए ग्रुपिंग किस तरह से होगी, हमारे ग्रुपिंग के भी रूल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, आप वहां से देख सकते हो। तो देखिए हमारा सबसे पहला ग्रुप कौन सा रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये जो बीच में चार वेरिएबल्स, चार बार 1 आया है यहाँ पे, फोर्थ ब्लॉक में, फिफ्थ ब्लॉक में और 12th और 13th ब्लॉक में, ये चार वंस का हम ग्रुप बना सकते हैं। तो चलो इनको बना देते हैं। ये हमारा पहला ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद में आप ये दोनों 1 इन्वॉल्व करने के लिए ये ऐसा 4 का ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में सवाल रहेगा ये दो वंस का, ठीक है ना। उनको अगर अपने उनका अगर ग्रुप बनाना है तो आपको फिर से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए ये दोनों वंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो कॉर्नर के चार एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ये जो कॉर्नर के चार एलिमेंट है इनका ग्रुप बना देंगे। मतलब इस तरह से रहेगा ये वाला 1, उसके बाद में यहाँ का 1, ओके, उसके बाद में ये 1, उसके बाद में यहाँ का 1, ठीक है ना। अगर आप ये चार जो 1 दिख रहे हैं हमें एक सीधे सीधे कॉलम में, ठीक है ना, इनका भी ग्रुप बनाते थे तो भी चलता था, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता था कि एक ग्रुप हमारा ज्यादा बन जाता था और जिसके वजह से हमारे नंबर ऑफ सॉरी हमारे इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स, मिन टर्म्स क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, ठीक है ना। तो हमारा रूल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि भाई ग्रुप बड़े से बड़ा होना चाहिए और नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए, देखिए। और उसके बाद में हर एलिमेंट किसी ना किसी ग्रुप से रिलेटेड होना चाहिए, या तो किसी ना किसी ग्रुप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट किसी ना किसी ग्रुप में है, ये वाला 1, ये वाला 1, हर 1 मतलब हर जो हमारी मिन टर्म है वो किसी ना किसी ग्रुप में
इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे भी देखेंगे हम, ईच एंड एवरी वन इज इंक्लूडेड बाय एनी ग्रुप। ओके, उसके बाद में जो भी ग्रुप हमने बनाया है वो बड़े से बड़े है, क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप अभी यहाँ पे बन नहीं सकता। और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कैसे हैं, छोटे हैं, मतलब कम है। सिर्फ दो ही ग्रुप हमने यहाँ पे बनाए हैं। अभी इसके बाद में सवाल उठता है कि भाई इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, ये जो ग्रुप है इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अभी ये जो ग्रुप है बीच, ये जो चार वन हमने यहाँ पे ग्रुप किए हैं, इनके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ए बी की वैल्यू इनकी चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे ए बी की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 2, 0 और 1, ठीक है ना। ये 0 और 1, यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 1 और 1, ठीक है ना। मतलब ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। इसके बाद में वो ग्रुप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहले केस में ए बी की वैल्यू है 0 1, दूसरे केस में ए बी की वैल्यू है 1 1। अभी यहाँ पे बी क्या है, दोनों केस में कॉन्स्टेंट है। ए क्या हो रहा है, 0 से 1 वेरी हो रहा है, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। मतलब हम लिखेंगे बी, क्योंकि बी कैसी है, कॉन्स्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए हम उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आपको पता होगा कि मेन टर्म्स में अगर कोई टर्म हाई होती है तो हम उसको इस तरह से, मतलब सॉरी, अगर 0 होती है तो हम उसको बार से इंडिकेट करेंगे, अगर 0 नहीं है तो हम उसको विदाउट बार ही इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेन टर्म की वैल्यू 0 होगी तो हम उसको इस तरह से, मतलब ए बार लिख सकते हैं या तो फिर बी बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 1 है तो हम उसको सिंपली ए या तो बी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो तो दोनों केस में 1 है, इसलिए हमने बी लिख दिया। उसके बाद में अभी इसी के मैप सॉरी इसी ग्रुप को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, सी और डी की वैल्यूज। देखिए, सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। डी की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो दोनों केसेस में वैरी हो रही है, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है ना। अभी सी की वैल्यू 0 है इसलिए सी बार। ओके, तो ये मिल गया हमें पहली प्रोडक्ट टर्म या तो फिर पहली मेन टर्म, मतलब पहला ग्रुप हमारा सॉल्व हो गया। अभी दूसरा ग्रुप जो है चारों कॉर्नर के वन हमने यूज करके बनाया है, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 0 है, 0 0 है, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 1 0 है, ठीक है ना। दोनों केसेस में ए वेरी हो रहा है। पहले इसमें ए इज इक्वल टू 0 था, दूसरे इसमें ए इज इक्वल टू 1 है। पहले इसमें ए बी इज इक्वल टू 0 था और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 0 है। मतलब बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी बार, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, दोनों केसेस में 0 है। ओके, अभी इसको सी डी के वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे भी सी डी है। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, कॉन्स्टेंट है। सी की वैल्यू क्या हो रही है, वैरी हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, तो उसको हम छोड़ देंगे। बाकी रह गया डी, तो डॉट डी बार, क्योंकि डी की वैल्यू दोनों केसेस में क्या है, 0 हो रहा है। ओके, तो ये दो हमें प्रोडक्ट टर्म मिल गई। अभी हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा, एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, अभी ये दोनों प्रोडक्ट टर्म है, हमें पता है कि एसओपी में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट टर्म्स मिलेंगी। प्रोडक्ट टर्म्स की हमने क्या करनी है, सम करनी है। मतलब ये दोनों भी प्रोडक्ट टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा फाइनल इक्वेशन इस तरह से रहेगा, बी सी बार प्लस बी बार डॉट डी बार। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल इक्वेशन इस सम के लिए, ठीक है। अभी इसके बाद में दूसरा देखते हैं, दूसरे फंक्शन के लिए। देखिए, यहाँ पे दूसरे फंक्शन में हमें क्या दिया है, एफ ऑफ ए बी सी डी, ए बी 4 वेरिएबल ही है, 0, 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, उसके बाद में ये हो गया 6, ये हो गया 9, यहाँ पे 11, दिस इज 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 15। ओके, तो सभी की सभी मीन टर्म्स की वैल्यू हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है। अभी इनको हमने क्या करना है, ग्रुप करना है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप किस तरह से बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप हमारा ये बन सकता है। देखिए,
हाँ ये देखिए, ये चार एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये चारों का हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चार का ग्रुप पहला बन गया हमारा। ओके अभी ये जो दो वंस है इनका भी ग्रुप हम बना सकते हैं, लेकिन ये दो वंस के साथ में अगर आप देखते हो तो ये नीचे वाले दोनों वन क्या है, एडजेसेंट है। तो बड़ा ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों वंस को नीचे वाले दो वंस के साथ में ऐड कर देंगे, मतलब एक ग्रुप में कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। ओके अभी इस वन की अगर बात करते हो तो इस वन को एडजेसेंट ये वाला वन है, तो ये दो का ग्रुप यहाँ पे बनेगा। उसके बाद में ये वाले वन की अगर बात करते हैं तो इसके साथ में कोई भी एडजेसेंट नहीं है, ठीक है ना। हॉरिजेंटली और वर्टिकली एडजेसेंट होना चाहिए, ना कि डायगोनली। आप कहेंगे भाई इसके साथ में ये तो एडजेसेंट है, लेकिन नहीं, हमारा ग्रुप कैसा बनेगा, हॉरिजेंटल बनेगा या तो फिर वर्टिकल बनेगा, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको कोई भी एडजेसेंट नहीं है, मतलब आप हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अकेले का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके अभी रह गई ये वाले वन की बात, इसके साथ में हॉरिजेंटली और वर्टिकली एडजेसेंट कोई है, हाँ है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो वन है ये इसके साथ हॉरिजेंटली एडजेसेंट है। अभी इनकी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये वाला ग्रुप हमारा सबसे पहला, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू है ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे ए बी की वैल्यू है ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो। ए दोनों भी केसेस में क्या है, कॉन्स्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, वन है, इसलिए ए डॉट। अभी इसकी सी डी की वैल्यू चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे सी डी, सी डी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू वन है, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू वन। दोनों भी केसेस में डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम सी को छोड़ देंगे और सिर्फ डी को कंसिडर करेंगे। डी की वैल्यू क्या है, वन है, इसलिए हम डी लिखेंगे। सो हमें क्या मिल गया, ए डॉट डी। ओके अभी रहेगी ए ग्रुप की बात। ये जो ग्रुप है ये नीचे के दो वन और ये ऊपर के दो वन, इनका ग्रुप इस तरह से। देखिए इनका इक्वेशन किस तरह से आएगा, अभी यहाँ से यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो स्टार्टिंग में ए और बी की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू दोनों भी केसेस में कैसी है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन जीरो है, तो बी बार डॉट। अभी हॉरिजेंटली चेक करेंगे, मतलब सी और डी की वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए सी और डी की वैल्यू यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे सी इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू वन। दोनों भी केसेस में डी की वैल्यू कैसी है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और वो क्या है, वन है, इसलिए डॉट डी। नेक्स्ट इसके बाद में जो ये सिंगल वन हमें यहाँ पे मिला है इसको चेक करेंगे। सिंगल वन के पास अगर हम आते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। अभी ये जो ग्रुप है सिर्फ एक ही रो में है और एक ही कॉलम में है, मतलब इसके वजह से इसकी जितनी इसकी इनपुट सॉरी इसका वेरिएबल के इनपुट वैल्यू जो भी रहेंगी हमें वैसी की वैसी यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रुप कोई दो दो या तीन रोज में नहीं है कि भाई अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है ना। कि जहाँ जैसे हमने बाकी ग्रुप्स में देखा था, यहाँ पे जब ए बी का वैल्यू हमने लिखे थे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कॉन्स्टेंट थी और बी की वैल्यू दोनों ग्रुप में सॉरी दोनों जगह पे क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो जो है वैसे के वैसे लिख दी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू वन। ए इज इक्वल टू जीरो है इसलिए ए बार, बी इज इक्वल टू वन है इसलिए बी। ओके अभी इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो सी इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू जीरो। तो सी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो इसलिए डी बार। ओके अभी ये वाला ग्रुप बाकी रह गया, ये दो वंस वाला। देखिए यहाँ पे इसको अगर चेक करते हैं, इसकी ए बी की वैल्यू कैसी है, पूरे रो में एक ही है, मतलब वन वन है, तो ए बी। ओके अगर इसको इस तरह से चेक करते हैं, मतलब हॉरिजेंटली, तो सी और डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो है, डी इज इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट केस में सी इज इक्वल टू जीरो है, डी इज इक्वल टू वन है, डी की वैल्यू वेरी हो रही है और सी की वैल्यू कैसी है, कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इट विल बी
सी बार, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो ग्रुप है ये और ये वाला वन, तो इसके लिए इधर वैल्यू लिख देंगे, सॉरी इसका इसकी मीन टर्म्स लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, तो ए बार डॉट बी बार, क्योंकि दोनों भी 0 0 है। अगर इसको सी डी की वैल्यूज के साथ में चेक करेंगे तो सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन सी की वैल्यू कैसे कॉन्स्टेंट है, जो कि 0 है, दैट इज सी बार। ओके, तो ये सब हमें प्रोडक्ट टर्म या तो फिर मिन टर्म से यहाँ पे मिल गई। इसका फाइनल इक्वेशन किस तरह से रहेगा, एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सभी मीन टर्म्स की एडिशन, मतलब ए बार बी बार डॉट सी बार प्लस ये वाला ए बार बी सी डी बार प्लस ये वाली ए डॉट डी, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे प्लस ये बी बार डॉट डी प्लस यहाँ पे ए बी सी बार, ठीक है ना। तो ये थे अपने ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें हमने मेन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया था, मतलब एसओपी फॉर्मेट वाले इक्वेशंस यहाँ पे हमने डेवलप किए। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमने पीओएस फॉर्मेट वाली इक्वेशन डेवलप करनी है। देखिए देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन हमें दिए गए हैं वो है एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू पाई एम, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा पहले दो न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखते हो तो ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा एम था, यहाँ पे सिग्मा की जगह आ चुका है पाई, ठीक है ना। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो पी ओ एस फॉर्मेट में रहेगा, मतलब हम यहाँ पे मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम, और हम मैक्स टर्म 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो भी इनपुट वैल्यूज है इनके लिए हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिए 0 के लिए मतलब 0 पोजीशन पे हमारा 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 0, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे 0, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे 0, फिफ्थ पोजीशन पे मतलब यहाँ पे 0, उसके बाद में 7 यहाँ पे 0, उसके बाद में 9 यहाँ पे 0, उसके बाद में 10 मतलब यहाँ पे 0, उसके बाद में है 11 मतलब है 11 पे 0 आ जाएगा, 13 यहाँ पे 0 आ गया, 14 यहाँ पे 0 आ गया, 15 यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। तो अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हैं हम उतना बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रुप तो हमें सबसे यहाँ पे दिखना है, ये देखिए ये वाले जीरोस, टोटल 8 जीरोस का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, या तो फिर टोटल 8 सेल्स का एक ग्रुप बनेगा। देखिए इनको बना लेते हैं, ये इतना बड़ा हमारा सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में और हाँ देखिए ये जीरोज है, बाकी बाजू के ये बाजू वाले जीरोज, इनका एक दो का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता, हमें क्या करना है, बड़ा ग्रुप बनाना है, बड़ा ग्रुप बनाना है, तो हम बाजू वाले दो जीरोस को इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अभी ये दो बाजू वाले जीरोस को नहीं इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो रूल हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से हम ऐसे ही एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं कि जो 2 की पावर्स में रहेंगे, मतलब 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3 इसके हिसाब से आना चाहिए। मतलब हम 6 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बना सकते, हम कौन से एलिमेंट्स का, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं, एक तो एक एलिमेंट का, 2 एलिमेंट का, 4 एलिमेंट का, या तो फिर 8 एलिमेंट का, ठीक है ना। तो 4 एलिमेंट्स का हम ग्रुप बनाएंगे, ये बन गया हमारा दूसरा ग्रुप। अभी ये दोनों जीरोस के लिए ये बन गया एक ग्रुप, ठीक है। अभी हमारे टोटल 3 ग्रुप यहाँ पे बन गए, जो कि बड़े भी हैं और नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे हैं छोटे भी हैं, ठीक है। अभी इनके इक्वेशन लिखेंगे, तो जो सबसे पहला ग्रुप था उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। देखिए इसको अगर यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 0 0 है,
उसके बाद में यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी इनपुट वैल्यू है 5 और 6 में, मतलब इनको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 है, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। अभी ये वाला रो भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ये वाला रो भी इन्वॉल्व है, मतलब ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। अभी एट द एंड ये जो रो है ये भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो ग्रुप है हमारा वो ज्यादा पूरी की पूरी रोज में क्या है, इन्वॉल्व है। और हर रो में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब हमने ए बी को रिप्रेजेंट करना है क्या यहाँ पे, नहीं। इसका मतलब हम ए बी से इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यूज हमने नहीं लिखी तो भी चलेगी, नहीं लिखी तो मतलब लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी सी डी के लिए चेक करेंगे। तो सी डी के लिए 2 रोज में सिर्फ हमारा ग्रुप है। तो पहला रो है जहाँ पे सी और डी की वैल्यू है 0 और 1, मतलब सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1। दूसरा सॉरी रो नहीं कॉलम है, दूसरे कॉलम में सी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, लेकिन 1 है, तो इसलिए डी बार, ध्यान में रखिए ये पी ओ एस इक्वेशन है ना, हमने यहाँ पे 0 को कंसिडर करके चलना है, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये आएगा डी बार। ओके तो ये पहले मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिल गई। अभी ये वाले ग्रुप के लिए देखते हैं, ए वाले ग्रुप में क्या रहेगा, ए बी इज इक्वल टू 1 1 है, और नीचे वाले रो में ए बी इज इक्वल टू 1 0 है, बी की वैल्यू वेरी हो रही है और ए की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 1 है। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 है, तो ये रहेगा ए बार। ओके अभी सी डी की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू 1 1 है, यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू 1 0 है, सी की वैल्यू दोनों जगह पे कांस्टेंट है, और डी की वैल्यू कैसी है, चेंज हो रही है। तो हम सी को सिर्फ कंसिडर करेंगे, लेकिन सी की वैल्यू क्या है, दोनों भी जगह पे 1 है, इसलिए प्लस सी बार, ठीक है ना, पी ओ एस इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे पहले हमें सम लेना होगा, ठीक है ना। तो ए बार प्लस सी बार, उसके बाद में ये 4 जीरोस का ग्रुप, इसको इधर लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं। अभी ए बी की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू दोनों जगह पे हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है, तो बी को छोड़ देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 0 है, अभी पी ओ एस है, इसलिए 0 को हम कंसिडर करके चलेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। ओके अभी इसको सी और डी की वैल्यू इसकी चेक करते हैं, सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी सी इज इक्वल टू 0 है, डी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 1 है, मतलब डी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो सिर्फ हम सी को कंसिडर करेंगे, सो ए प्लस सी, ठीक है ना। तो इस तरह से, ये क्या बनेगा हमारा के मैप। अभी इसका फाइनल इक्वेशन हम लिखेंगे, तो देखिए फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा, एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू इन सब का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो ए प्लस सी डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट डी बार, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल इक्वेशन। अभी दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे भी पाई एम दिया है, मतलब पी ओ एस फॉर्मेट है, तो हम 0 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन हमें दिया है 4, तो 4 की जगह 0, उसके बाद में 6, तो 6 की जगह 0, उसके बाद में 10, तो 10 की जगह 0, उसके बाद में 12, तो 12 की जगह 0, उसके बाद में 13, तो 13 की जगह 0, उसके बाद में है 15, तो 15 की जगह 0। ओके अभी हम बनाएंगे इनके ग्रुप्स, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, देखिए किस तरह से बनेगा। हाँ तो देखिए ये 2 जीरोस का ग्रुप हम सबसे पहले बना लेते हैं। ओके अभी ये 0 को कंसिडर करके ग्रुप बनाना है, तो इसका नेबरर ये है, तो इसको इसके साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे, मतलब ये दूसरा ग्रुप बन गया हमारा, ठीक है ना। अभी ये 0 के पास में आते हैं, ये 0 के पास में आएंगे तो हम नीचे वाले 0 को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं,
या तो फिर ये जीरो को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाले जीरो को हमने एक ऑलरेडी ग्रुप में इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसके पास में जाएंगे। ये बन गया यहाँ पे अलग से ग्रुप, ठीक है ना। अभी ये जीरो जो है वो अकेला है, तो इसका अकेले का ग्रुप बना देंगे। एक ग्रुप बन गया। अभी इनके इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहला ये ग्रुप हमारा, इसका इक्वेशन क्या रहेगा देखिए। ए बी इज इक्वल टू 1 1 है, तो ए प्लस बी, कोई रो एक्सचेंज नहीं हो रही है और दोनों की वैल्यूज कैसी है, पूरे रो में कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ए प्लस बी, सॉरी ए बार प्लस बी बार, क्योंकि पीओएस इक्वेशन है। ओके, उसके बाद में सी और डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे डी इज इक्वल सॉरी यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे डी इज इक्वल टू 1 है, मतलब डी की वैल्यू चेंज हो रही है और सी की वैल्यू दोनों केसेस में कैसी है, कॉन्स्टेंट है। तो और वो भी वैल्यू क्या है, सी, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, तो ये बन गया हमारा पहला मैक्स टर्म। अभी इसके पास आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 1 है, तो फिर से ए बार प्लस बी बार, ओके, प्लस सी डी के लिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे डी की वैल्यू दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, सॉरी दोनों जगह पे कैसी है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो प्लस डी बार, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, उसके बाद में ये जो ग्रुप बनाया है हमने, इनके बार इनका इक्वेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 0 मतलब ए प्लस बी बार, ओके, और सी और डी की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सी डी की वैल्यू 1 0 है, मतलब दोनों केसेस में डी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो प्लस डी। अभी ये अकेला वाला देखिए, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 0 है, ए बार प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू 1 0 है, मतलब सी बार प्लस डी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सबके सब मैक्सिमम्स मिल जाएंगी। अभी फाइनल इक्वेशन हम लिखेंगे, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देयर फॉर एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू ए प्लस बी बार प्लस डी, ये हो गया यहाँ पे डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस डी बार डॉट, अभी इसको लिखेंगे ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी ब्रैकेट कंप्लीट डॉट ए बार बी बार सी, मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो इस तरह से हमारा आखिरी इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा के मैप से रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स, या तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई के मैप में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्रुपिंग किस तरह से करनी है, लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद इक्वेशन किस तरह से लिखने हैं, ये जो 3 4 न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं इसमें से हमें समझ सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।